हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 1 HP की मोटर को 1.5 KVA यानी कि 1.5 KVA के स्टेबलाइजर से अगर चलाना चाहे तो क्या मोटर चल जाएगी या उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उससे पहले दोस्तों हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानना आवश्यक है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मोटर की वैल्यू HP और किलोवाट के अंदर निकाली जाती है, और अगर स्टेबलाइजर की बात करें तो उसकी वैल्यू किलोवाट एम्पेयर के अंदर निकाली जाती है यानी कि KVA के अंदर। तो दोस्तों जो मोटर होती है वो ज़्यादा लोड लेती है, इसका मतलब है कि जो अगर 1 HP की मोटर है तो हमें उससे दुगनी क्षमता का स्टेबलाइजर लेना होगा, यानी कि वैल्यू है वो ज़्यादा रखनी होगी, तभी हमारी मोटर सही प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइजर काम कर पाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मोटर चल तो जाएगी, क्योंकि अगर हम 1 HP की मोटर को 1.5 KVA के स्टेबलाइजर से अगर हम चलाएंगे तो मोटर बेशक चल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या है दोस्तों, कि जो स्टेबलाइजर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है तो उस पर ट्रांसफार्मर ज़्यादा ओवर हीटिंग होगा, और ओवर हीटिंग होने के कारण क्या है कि जो स्टेबलाइजर है वो फूक जाएगा या वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल कुछ और भी पार्ट होते हैं। जैसे उसमें एक रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना। तो दोस्तों एक वो रेगुलेटर ख़राब होने का भी इसमें ज़्यादा दिक्कत होगा, और ट्रांसफार्मर है तो वो पावर फैक्टर के ऊपर काम करता है, यानी कि उस पर अगर क्षमता से ज़्यादा लोड डाल देंगे तो वह गर्म होगा, और गर्म होने के कारण वह फूक जाएगा। और जो इसके अलावा जो इसमें समस्या होगी तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने की समस्या रहेगी, क्योंकि दोस्तों मान लो 1 HP की मोटर को हम चला रहे हैं और 1.5 HP का स्टेबलाइजर हमने लगा दिया तो उसमें ज़्यादा लोड पड़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप होंगी, यानी कि वोल्टेज का उसमें लॉस होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी 1 HP की मोटर है तो आप उसके लिए 3 KVA का स्टेबलाइजर लगवाएं, तभी आपकी मोटर अच्छी तरह से काम करेगी और स्टेबलाइजर भी अच्छी तरह काम करेगा। जहाँ तक हो सके दोस्तों आपको स्टेबलाइजर की वैल्यू 5 KVA का मिनिमम लेना चाहिए, क्योंकि मोटर कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 HP की जगह हम 2 HP की मोटर भी लगा सकते हैं और 3 की भी लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा यहाँ मानना है कि आप 5 KVA से कम का स्टेबलाइजर बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।